नायब सैनी जी को मनोनीत किया है और शाम को 5 बजे गवर्नर हाउस में मनोहर लाल को उससे ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। पार्टी का जहाँ उपयोग होता है वहाँ किस रोल में रहेंगे सर? मैं बता तो रहा हूँ, पार्टी उनको और बड़ा दायित्व देगी। सेंटर में जाएंगे कैबिनेट, कैबिनेट आज होगा, कैबिनेट का स्वेयरिंग इन आज होगी। कहा जा रहा है कि अनिल विज जी इस बात से नाराज हुए कि डिप्टी सीएम के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पा रहा। सब सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है, कोई नाराज किसी से नहीं है, कोई नाराज नहीं है। डिप्टी सीएम कौन होगा? नायब सैनी होंगे सीएम। जी हाँ, नायब सैनी जी मनोहर लाल डिप्टी सीएम का डिसाइड हो गया। डिप्टी सीएम कौन होंगे? डिप्टी सीएम का भी निर्णय नहीं होगा तो बताएंगे। जगह मिलने जा रही है कृष्ण मिड्डा के रूप में। अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई इस बार तो सिर्फ मैं ये कहूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नायब सैनी जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए रखा है। सभी विधायक और सभी लोगों ने उसकी सहमति, सभी कोई नाराजगी तो नहीं सर किसी तरह की? नहीं, मेरे ख्याल से किसी कोई नाराज नहीं, सबने सहमति दर्ज की। अभी अनिल विज बाहर निकले थे, नाराज होकर निकले हैं वो? देखिए मुझे उस बारे में मालूम नहीं, मंत्री बना जा रहा है अभी, ऐसी कुछ भी इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ नायब सैनी के नाम, सिर्फ इतना ही है कि नायब सैनी जी का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रखा है। क्यों चेंज किया गया, कुछ पता चल पाया? देखिए कि ये कह सकते हैं कि ऐसा पार्टी कुछ सोच रही है कि प्रत्येक को 9-10 वर्ष का ही समय दिया जाए इस प्रकार से। तो लोकसभा में चुनाव, अभी मैं चंडीगढ़ में हरियाणा निवास के बाहर खड़ा हुआ हूं और थोड़ी सी देर पहले ही यहां से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई है। कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव सबसे पहले हरियाणा निवास से बाहर निकले थे, यहाँ अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के सभी विधायक थे और उसमें नायब सैनी के नाम पर मोहर लगाई। सबसे पहले बाहर आकर नायब सैनी ने बताया, लेकिन वो कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े, भाजपा के साथ यही बात हो गई है और नायब सैनी को मुख्यमंत्री जैसे ही फाइनल उनका नाम का फैसला हुआ है, नायब सैनी के नाम का जैसे ही फैसला हुआ तो बीजेपी में उसके विरोध शुरू हो गया है। और जब नायब सैनी के नाम का ऐलान कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव ने किया तो उससे 20 मिनट पहले अनिल विज नाराज होकर बाहर निकले। अनिल विज को मनाने के लिए करनाल के सांसद संजय भाटिया भी बाहर थे। अनिल विज बहुत ज़्यादा नाराजगी में थे और वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और साथ में नई कैबिनेट में गृह मंत्रालय भी उनसे ने की बात हुई तो अनिल विज बाहर आ गए और नाराज हो गए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि अनिल विज हरियाणा निवास से बाहर निकलकर और अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठकर चले गए, उन्होंने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है। तो यानी कि जिस तरह से खट्टर के साथ सभी विधायक एकजुट थे, लेकिन अनिल विज ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर दी है और मीटिंग को बीच में छोड़कर बाहर निकल गए और नायब सैनी के नाम पर वो सहमत नहीं थे, तो अब ये देखना होगा कि नायब सैनी पूरे बीजेपी के कुंबे को और सभी निर्दलीय विधायकों को कैसे साधकर चलते हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा हरियाणा यह जानना चाहता है कि आखिर खट्टर को क्यों बदला गया है। खट्टर को सबसे बदलने का बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि 10 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसकी एंटी इनकमबेंसी बहुत ज्यादा थी और बीजेपी ने सर्वे करवाया था जिसमें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहने वाला था। कांग्रेस के पक्ष में माहौल लग रहा था, 2 सीटें भी बड़ी मुश्किल से बीजेपी हरियाणा में जीती हुई दिख रही थी। तो उस एंटी इनकमेंसी को ख़त्म करने के लिए ही बीजेपी ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री को बदला जाए ताकि जो सरकार के बीजेपी के खिलाफ विरोध है वो विरोध कम हो जाए और इसी के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला है। यहाँ एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रहेगी कि आज यहाँ पर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ है, लेकिन एक दिन पहले कल गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रधानमंत्री थे, द्वारका एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने पुराने किस्सों को याद किया कि किस तरह से मनोहर लाल जी बाइक चलाते थे, वो उनके पीछे बाइक पर बैठते थे। उस समय जब प्रधानमंत्री किस्से सुना रहे थे तब मनोहर लाल के चेहरे पर वो खुशी और वो रौनक नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनको पहले ही ये मैसेज कर दिया गया था कि कल ही 24 घंटे के अंदर आपकी कुर्सी जा रही है। तो आज सुबह का घटनाक्रम सबसे पहले ये रहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से सभी निर्दलीय विधायकों को मैसेज किया गया कि वो चंडीगढ़ आए, मुख्यमंत्री ने सबसे निजी बातचीत की, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में अर्जुन मुंडा और तरुण चौग जो केंद्रीय दो पर्यवेक्षक थे वो आए
और करीब 4 घंटे मीटिंग चली। 4 घंटे की मीटिंग में कोई अंदर से बाहर नहीं निकला। सबसे पहले बाहर निकले अनिल विज और बहुत नाराज थे, उनके साथ संजय भाटिया थे, वो उनको मना रहे थे। अनिल विज के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं हो रही थी और इसके चलते वो बाहर निकल गए और वो अपनी पर्सनल गाड़ी में गए हैं। सरकारी गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है और उसके करीब आधा घंटा बाद ही कौशल से विधायक निकलते हैं लक्ष्मण यादव। वो बताते हैं कि सर्वसम्मति से फैसला होता है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सर्वसम्मति नहीं थी। सर्वसम्मति होती तो अनिल विज नाराज होकर बाहर नहीं निकलते। अब देखना ये होगा कि नई कैबिनेट में भी अनिल विज शामिल होते या नहीं होते हैं। इसमें ये जरूर है कि 2 डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। चर्चा ये है कि 2 डिप्टी सीएम उनमें एक जाट समुदाय से जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो जाट नॉन जाट की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले टर्म में जो सांसद थे राजकुमार सैनी, उन्होंने जाट नॉन जाट 35 बनाम 1 हरियाणा में बहुत आवाज़ बुलंद की है। और बावजूद इसके पिछले टर्म में भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा के बावजूद मात्र 40 सीटों पर अटक गई थी और उसकी सबसे बड़ी नाराजगी यही कारण ये माना जा रहा है कि वो जाट उससे नाराज थे और नॉन जाट भी नाराज थे। अब खट्टर को बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि खट्टर सरकार के प्रति जो विरोध था, जो नाराजगी थी, वो जाटों के साथ नॉन जाट में ही बहुत ज़्यादा थी। इसलिए नॉन जाट को ही साधने के लिए वो किस तरह से उनके साथ बने रहें और ओबीसी से नायब सैनी आते हैं उनको बनाया गया है। तो अब पंजाबी जो वर्ग है, क्योंकि खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो क्या पंजाबी अब बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि एक तो उनको ये नुकसान है कि उनका मुख्यमंत्री हटा दिया गया है, दूसरा अनिल विज को मुख्यमंत्री ने बनाया गया है, वो नाराज़ हो रहे हैं। संजय भाटिया की टिकट कटने की बात चल रही है, करनाल से कुलदीप बिश्नोई को वहाँ से टिकट देने की बातें चल रही हैं। तो ये सारे समीकरण हरियाणा की जो राजनीति की जो नई तस्वीर उभर कर आई है, 2 दिन बाद ही आचार संहिता लगने वाली है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने और संगठन ने जो एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट आई थी और पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन हरियाणा में बीजेपी का होने जा रहा था। उस एंटी इनकमेंसी को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हुआ है। अब देखना यह कि नए मंत्रिमंडल में जो निर्दलीय विधायक हैं किस किस को जगह मिलती है। थोड़ी सी देर पहले यहाँ हरियाणा निवास के बाद धर्मपाल गोंदर थे, नीलोखेड़ी से वो विधायक हैं, करनाल ज़िले में है नीलोखेड़ी, मुख्यमंत्री का वो इलाका है। तो उन्होंने भी कहा है कि हमसे मुख्यमंत्री ने सभी निर्दलीय विधायकों से बातचीत हुई है और उन्होंने साथ मांगा है कि बीजेपी से गठबंधन टूट गया है तो सभी निर्दलीय विधायक साथ रहें। सातों के साथ निर्दलीय विधायक अभी बीजेपी के साथ हैं, उन सबसे बातचीत हो गई है, उसके बाद फिर नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हुआ है। अभी आज 5 बजे ही मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, पूरी बीजेपी की टीम राजभवन जाएगी और राज्यपाल से अनुरोध करेगी कि आज ही नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को शपथ दिलाई जाए और उम्मीद है कि 5-5:30 बजे के आसपास राजभवन में नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल कौन कौन होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका फैसला अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। जींद के विधायक कृष्णलाल मिड्डा वो बाहर आए थे, संजय भाटिया यहाँ से जो करनाल के सांसद है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ एक ही फैसला हुआ है कि मुख्यमंत्री नाम पर मुख्यमंत्री खट्टर की जगह है नायब सैनी। नायब सैनी का नाम भी मनोहर लाल खट्टर ने ही प्रस्ताव किया और उसके बाद सबने सहमति जता दी। अनिल विज सहमत नहीं थे, वो पहले बाहर आ गए। और कौन कौन से विधायक इसमें नाराजगी जताते हैं, कैसा हरियाणा का परिदृश्य रहता है, पड़ताल ट्यूब पर बने रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।